और का सही बात है। इसमें एक गीत बज रहा है, कौन सा? अरे दादा, और चुनरी जयपुर ते मंगवाई, रहिंदी सोने की घड़वाई, गले में कंठी गैर काना, ढोकनी चांदी की ले आई, रूप कति निखरा माजरा, निखरा महू की मांग की लाली, कमर नीचे पहनी जूती, कट गई देखो चीज कसूती, के गज भर पानी रे चली, गज भर केवल चार पंक्तियां। क्रांति वाला जी, हरिहर बाबा का दरबार है, इस दरबार में तमाम भक्ताएं भोलेनाथ विराजमान हैं, उन्हीं का महापर्व महाशिवरात्रि अभी दो दिन पहले मनाई गई। भोलेनाथ ऐसे देवता हैं कि जो हमारे आपके चढ़ावे के भूखे नहीं हैं। अरे एक चोर जो घंटा चुराने के लिए शिवलिंग के ऊपर चढ़ा है, उसको भी भोलेनाथ ने वरदान दे दिया कि अरे लोग तो फूल पत्तियां चढ़ाते हैं, इसने तो अपना शरीर ही चढ़ा दिया। धन्यवाद है जो आपकी तालियां बज रही हैं। बड़े दयालु देवता हैं, सही है, भगवान हमारे आपके चढ़ावे के भूखे नहीं है, वो हमारी आपकी भावना के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। क्रांतिमाला जी, टुकड़ा सुनिएगा, परमात्मा को चित्त का चंदन है मन भाया, चित्त का चंदन है मन भाया, भाव का भोग प्रभु मैं लाया, नेह का नीर नयन से चढ़ाया, नेह का नीर नयन से चढ़ाया, आस का दीपक एक जलाया, आस था की ज्योति को देख, आस्था की ज्योति को देख, सदा शिव हो के मगन डोले, श्रद्धा की ले बेल पाती, भक्ति से गंगा मिल जाती, श्रद्धा की ले बेल पाती, भक्ति में गंगा मिल जाती, मगन मन होते हैं भोले, जो हर हर बम 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 भोले, बोलिए शंकर भगवान की जय।
बाजा बजाते हो? हेलो, थोड़ी सी पतली कर दें आवाज, बेस बहुत है। हेलो हेलो हेलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है। सुना भी आप लोगों ने? सुना सुना सुशीलराज कमल जी को। और क्या, बड़े जोश में गाना बजाना हो रहा है यार। और क्या, और क्या? ओफो। हमें लग रहा कल वाली भड़ास निकली नहीं। सुशीलराज कमल जी है? आप कहने लगे क्रांतिमाला जी मेरे गाने में इतने नाम लगे थे है? आपको और नाम मैंने छोड़ दिए थे। छे छे अंतरे का गीत आप गा रहे हैं है? केवल उसमें नाम ही नहीं लाने, ये गीत में काफिया भी बांधना होता है। और क्या, पूरी बड़ी बड़ी लाइनों को पिरोना होता है, है। और आप अगर मेरा जवाब दोबारा सुनेंगे, चाहे वो YouTube में हो चाहे आपने कॉपी में लिखा हो है। तो मेरे गीत के जवाब में भी कहीं इधर उधर लाइनें नहीं जुड़ रही। ये आप चाहेंगे तो मैं दोबारा गाकर बताऊंगी। और क्या, भोलेनाथ के भी नाम आ रहे हैं और भगवान कन्हैया की भी बात आ रही है। आप करें भोलेनाथ तो सतयुग में है, कन्हैया जी द्वापर में है। अरे आपने प्रसंग छोड़ा था कि भोलेनाथ वहां पहुंचे नारी का रूप बनाकर, तो मैंने फिर जवाब को आगे बढ़ाया। जवाबी का मतलब यही होता है। और क्या, ये पढ़ाई लिखाई मजा है। जवाब बहुत भारी हो गया था इसलिए मैंने एक टुकड़ा भगवान कृष्ण से बुलवाया था और एक टुकड़ा मैंने भगवान भोलेनाथ से बुलवाया था। अब आपको ना समझ में आए तो ये आपकी कमी है, हमारी नहीं है। ये लोग तो अंधेरे से निकले जा रहे हैं। अच्छा अब आप लोग सुनिए, इन्होंने जवाब दिया है, चित चोरनी चित चोर, सारा का सारा वही उतनी ही लाइने जो मैंने आपको सुनाई है, बस केवल आपने इतना कर दिया है, टूटी ये हर जगह टूटा लगा दिया है। अबे टूटा चकवी चकोर, टूटी पतंग संगडोर, टूटा सांझ भोर, टूटी किस्मत फूटी। अपनी क्या मेहनत की आपने? कुछ नहीं, जवाब बन थोड़ी पाया। हालांकि शशि जी ये शिकायत मेरी आपसे नहीं है, ये शिकायत मुझे दादा से है। ये बात, जिन्होंने जो कलम के धनी है ये गीत मैंने इसलिए जानबूझ कर रखा क्योंकि मुझे विश्वास था कि दादा से अच्छा जवाब कोई ला ही नहीं सकता। बेटे दादा कुछ न कहोगे, दादा दादा हैं। ये बात, दादा दादा है तेरा खाना वाले। लेकिन आज दादा ने भी केवल काम चलाया है बस, ये मेरी ही लाइनें मुझे वापस कर रहे हैं, चकवी चकोर, पतंग संग डोर, संजा भोर, मोरनी मोर, और क्या, सब वही तो आपने वापस किया है, अपना क्या गाया है। जब जवाब में अपना कुछ नहीं है तो सब फिर टाए टाए फिस है। ये हमने तो तब भी प्रयास किया था, मैंने आपके कठिन गीत का जवाब भी ठीक से दिया था। और क्या, छोड़ो बेटा माफ करो, हो जाता है, जरूरी नहीं आप करें। अगर मैंने आपकी खोपड़ी पर इतने नाम पटक दिए तो आपको तो खुश होना चाहिए, वो खोपड़ी बड़ी भाग्यवान होती है। ये उतार के गाड़ी में धरे हैं हम लोग। अरे भाग्यवान तो हम भी हैं, आप भी हैं। और क्या, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, मेरा मतलब केवल ये था क्या आपने सोचा नहीं कि इतने बड़ा गीत मैं पहले चक्र में दे रहा हूँ, इसका जवाब कैसे बनेगा, उसको आप दूसरी तरह से दे रहे हैं। चलिए ठीक है, आइए कट पीस में। कट पीस बड़ा अच्छा दिया है आपने। और क्या, चुनड़ी जयपुर ते मंगवाई, चुनड़ी जयपुर ते मंगवाई, रैण दी सोने की गढ़वाई, गले में कंठ बीज का गेर, टोकरी चांदी की ले आई,
रूप तेरा निखरा बाजरा निखरा लहू के गालों की लाली कमर नीचे पैड़ी जूती कमर नीचे पैड़ी जूती बन गई देखो चीज कसूती ले गज भर पानी रे चली ले गज भर पानी रे चली गाना बजाना बड़े मन का होता है सुशील जी गाना हम ही लोग केवल सजा पाते हैं केवल जल्दी जल्दी गा देने से आप लोग ये सोचते हैं कि जल्दी जल्दी गा दिया जाए सामने वाला लिख ना पाए चित का चंदन है मन को भाया और उसके बाद नेह का नीर नयन से चढ़ाया आशा का दीपक जलाया आस्था की ज्योति को देख सदाशिव बोले श्रद्धा की ले बेल पाती भक्ति से गंगा मिल जाती तो हर 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 बम बम बोलो ये बात सुनिए जवाब दे रही हूँ सुनिए भोलेनाथ के दरबार में आइए तो एक काम और भी करिए त्याग का दीपक एक जलाओ त्याग का दीपक देखिए कुछ उपमा चल रही है आज सुशीला जी पता नहीं क्या डर है आपको कुछ तो है आज सारे गाने ये वाले ना आ जाएं ये वाले ना आ जाएं लेकिन हम कोई नहीं गाएंगे ना डरिए ना सुनिए त्याग का दीपक एक जलाओ सुमन मन के जा कर के चढ़ाओ मन रूपी सुमन चढ़ा दीजिए ये बेल गुलाब ये सब चढ़ाने से अच्छा है पहले मन को चढ़ा दीजिए त्याग का दीपक एक जलाओ सुमन मन के जा कर के चढ़ाओ और भगवान भोलेनाथ एक ऐसे देवता हैं जो बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं आप चाहे इनको जहां रख दीजिए जो भी चढ़ा दीजिए जो भी खिला दीजिए जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं त्याग का दीपक एक जलाओ सुमन मन के जा कर के चढ़ाओ प्रेम का भोग भी शिव को लगाओ सेवा भक्ति से शिव को नहलाओ सेवा भक्ति से शिव को नहाओ और कर्म की डोर तो कर में थाम भगवान के हाथ में अपने कर्म रूपी डोर को पकड़ा दीजिए अगर वो डोर पकड़ा देंगे वो कर्म जो आप कर्म की डोर पकड़ा देंगे तो भोलेनाथ जहां जहां ले जाएंगे वो सही रास्ते ले जाएंगे समझे कर्म की डोर तो कर में थाम सभी है काम ये बन जाए और तभी कृपा यहाँ पे तभी है होती कृपा यहाँ पे तभी है होती इच्छा शक्ति से मिलता मोती कृपा यहाँ पे तभी है होती इच्छा शक्ति से मिलता मोती अगर सारे काम यहाँ बन जाए तो बोलो ओम नमः शिवाय 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 अगर आपके आपके गीत में हर हर बम बम बोलो तो यहाँ सारे काम बन जाए बोलो ओम नमः शिवाय कर्म की डोर तो कर में था यहाँ सब काम है बन जाए कृपा यहाँ पे तभी है होती इच्छा शक्ति से मिलता मोती तो बोलो ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः
शिवा। बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रयास था मेरा, जहाँ जहाँ से आपने जगह छोड़ी इसका ये चढ़ाइए उसका वो चढ़ाइए, तो मैंने भी आपको बताया त्याग का दीपक जलाइए, मन के सुमन चढ़ाइए, प्रेम का भाव लेकर भोग खिलाइए, ये सब मिलकर अगर कर्म की डोर उनके हाथ में दे देंगे तो सारे काम बन जाएं। बोलो ओम नमः शिवाय।